चैम्पियन थी, और जूनियर नेशनल हुआ जिसमें मैं चैम्पियन बनी, और भी बहुत सारे टूर्नामेंट है जो उसमें काफ़ी गोल्ड मेडल और अच्छे स्कोर के साथ मैंने मेडल लिए हैं। टाटा आर्चरी एकेडमी का एक नियम था कि वहाँ पे जो भी आर्चरी के जो भी स्पोर्ट्समैन थे उनको 4 साल तक ही वहाँ पे रखा जाएगा, उसके बाद वो उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे। तो जब दीदी वहाँ से 4 साल के बाद निकली तो उनके पास ना तो धनुष था और न ही आगे कुछ सोच पाने का कुछ जरिया था। वो बहुत हताश हो चुकी थी और आए दिन मतलब अपने फ्रेंड्स से बात करती थी। हम लोग सब कुछ देखते थे बट हमारी उम्र ऐसी थी कि हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे। पूरी फैमिली मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम लोग कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 1,03,00,00,000 के पार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया झारखंड समेत सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा सभी विभागों में जल्द बड़े पैमाने पर होंगी नियुक्तियां, इस माह के अंत तक नियुक्ति नियमावली बनाने का निर्देश। और राजधानी रांची को मिली वेजिटेबल मार्केट और पार्क की सौगात, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया जनता को समर्पित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं शीला। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397 8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हिंद प्रशांत में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है। 2005 में अपनी स्थापना के बाद से इसने पूर्वी एशिया के रणनीतिक और भू राजनीतिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल हैं। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य होने के नाते इस सम्मेलन को मजबूत करने और समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, कोविड-19 में सहयोग सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित और चिंता के मामलों पर चर्चा होगी। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण का आंकड़ा 1,03,00,00,000 के पार हो गया है। देश में अब तक 103,53,00,000 से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में 55,89,000 से अधिक टीके लगाए गए। इधर झारखंड में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है।
राज्य का अति पिछड़ा जिला होने के बावजूद लोहरदगा में अब तक कुल 1,75,000 लोगों को वैक्सीन लगाए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कोरोना से बचने के लिए एक वैक्सीन ही ऐसा डोज है जिससे हम लोग बीमारी से बचा जा सकता है। वैक्सीनेशन की गति तेज होने के बावजूद जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टुप्पो ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। उनका कहना है कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी है। एक तो सही समय पे जांच, तो हमारा जिला का एंट्री प्वाइंट जो है रांची या बाहर देश के दूसरे हिस्सों से ट्रेन से जुड़ाव है, साथ में रोड से भी जुड़ाव है, तो ज्यादातर लोग श्रमिक लोग पलायन करने वाले लोग बाहर से आते हैं, इसलिए ट्रेन में स्टेशन में इसका जांच जरूरी है, तो हम लोग लगातार वहां जांच करा रहे हैं। कोविड टीकाकरण की गति और तेज करने के वास्ते आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर भी चर्चा करेंगे। इसी बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है जो अपनी अंतराल अवधि समाप्त होने के बाद कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण की गति में सुधार करने और इसके कवरेज में तेजी लाने का आग्रह किया गया है। भारत में 76% वयस्क आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 13,451 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 14,021 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 14,021 मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.19% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 1,62,661 हो गई है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.22% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.03% हो गया है। राज्य के अधिकांश जिलों में कोरोना के नए मामले अब नहीं आ रहे हैं। हालांकि राजधानी रांची में हर दिन कुछ संक्रमितों की पहचान हो रही है। पिछले 24 घंटे में रांची में 8 नए संक्रमित पाए गए हैं और इतनी ही संख्या में संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में सक्रिय मामलों की संख्या 104 हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। सभी विभागों में जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी। एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने बोकारो पहुंचे श्री सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 31 अक्टूबर तक नियुक्ति नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है। नियमावली बनते ही नियुक्तियों को लेकर कैबिनेट की एक विशेष बैठक भी बुलाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग लगातार लोगों को नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे खेल पदाधिकारी हो, चाहे इंजीनियर हो, लेकिन बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसके लिए सभी विभागों 31 तारीख तक अपने अपने विभागों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमावली तैयार करने के लिए कहा गया है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने विधानसभा क्षेत्र लोहरदगा के कई गांवों का दौरा किया और लोगों की पीड़ा तथा जरूरतों को जानने की कोशिश की। इस दौरान कई ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन और आपूर्ति से संबंधित मामलों की शिकायत की। मंत्री ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित अंचलाधिकारी और आपूर्ति पदाधिकारी को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन विराम के बाद।
कुछ नहीं जानते हैं। अभी हमको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, इसको गिराना होगा। अरे बुढ़बक, अभी इसका तीसरा महीना है और क्या हुआ, जो भी तेरी बेटी 2 साल की है, हम संभाल लेंगे सब कुछ। रहने दे अम्मा, इस नादान को हम समझाते हैं। इधर सुन, देख भाई, एक नादानी तो तुमने पहले कर दी, 2 बच्चों के बीच में 3 वर्ष का अंतर ना करके। अब अगर गर्भपात कराना ही है तो किसी सरकारी अस्पताल में जाकर करानी चाहिए, जहां सब कुछ सुरक्षित होगा और वो भी निशुल्क। गर्भपात नहीं आसान, सुरक्षा का रखें ध्यान। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है, ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, MTC का काम है अच्छा। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। राजधानी रांची को आज सरकार की ओर से एक वेजिटेबल मार्केट की सौगात दी गई है। नागाबावा खटाल के पास बने वेजिटेबल मार्केट का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। झारखंड का यह पहला वेजिटेबल मार्केट है जो सेमी अंडरग्राउंड बना है। मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद हरमू स्थित पटेल पार्क भी जनता को समर्पित करेंगे। देश में स्वास्थ्य संवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत 64,000 करोड़ रुपए के निवेश से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नेटवर्क को गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत किया जाएगा। देश के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन और स्वास्थ्य सुविधाओं की असमानता को दूर करने के मकसद से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी केयर के साथ साथ डिजिटल हेल्थ केयर पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के जरिए न केवल ब्लॉक स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी बीमारी और महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े शहरों की ओर रुख न करना पड़े। इसके लिए 5 साल में 64,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। ब्लॉक में भी लेबोरेटरी हो, ब्लॉक के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक उससे बड़ी लेबोरेटरी हो, कोई सामान्य टेस्टिंग कराना हो तो कभी एक बड़ी सिटी की ओर जाना पड़ता है, स्टेट के कैपिटल तक जाना पड़ता है। ये स्थिति ना निर्माण हो इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही डायग्नोस्टिक हो जाए और डायग्नोसिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, और उसके अलावा भी कोई आगे डायग्नोसिस की आवश्यकता हो, परीक्षण की आवश्यकता हो, तो देश में 20-20 लोकेशन पर एक लेवल की लैब हो जहां ऑल टाइप ऑफ रिपोर्ट मिल सके। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत गांवों में 17,000 और शहरों में 11,000 से अधिक हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे, जहां बीमारियों की शुरुआत में ही पहचान करने की सुविधा होगी। इन केंद्रों में मुफ्त में सलाह, जांच और दवा की सुविधा भी होगी। इस मिशन के तहत बीमारियों की जांच, उनकी निगरानी कैसे हो, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। हर जिले में करीब 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। देश में 20 लोकेशन पर एक जांच का लैब होगा। देश के 5 क्षेत्र में NCDC की ब्रांच और 20 यूनिट खोली जाएंगी। देश के अलग अलग हिस्सों में ICMR की तरफ से 15 BSL-3 लैब खोली जाएंगी। देश के 602 जिलों में जहां 5 लाख तक की जनसंख्या हो, वहां पर क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक खोला जाएगा। 128 जिलों में रेफरल रिंक होगा। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर खोले जाएंगे जो 24 घंटे काम करेंगे। जांच के लिए 15 नई बायो सेफ्टी लैब खोली जाएंगी। देश के हर हिस्से में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केंद्र खोले जाएंगे। सब हेल्थ सेंटर में 14 तरह की टेस्ट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर 63 टेस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 97 टेस्ट और जिला अस्पताल में 134 तरह की टेस्ट की सुविधा होगी। 33 बीमारियों के आउटब्रेक होने पर पोर्टल पर तुरंत सूचना स्वास्थ्य मंत्रालय को मिल जाएगी, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। 134 टाइप के टेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लैब में बिना मूल्य हो सकेगा। दूसरा, पहली बार ये साउथ एशिया में हो रहा है और एकदम देश में 2
ट्रेन कंटेनर ट्रेन तैयार रखी जाएगी। कंटेनर में सारी हॉस्पिटल की सुविधा तैयार होगी। कोई भी पेंडामिक की सिचुएशंस हो, कोई जगह पे डिजास्टर हो, कोई जगह में ऐसी ही तुरंत ही रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ बाय रेल से मूव की जा सकेगी, बाय एयर से भी मूव की जा सकेगी। तुरंत ही हम 24 घंटे में कोई जगह पे कोई साइक्लोन आ गया, इसी स्थिति में आवश्यकता खड़ी हो गई, तो 24 घंटे में हम वहाँ रेडी हॉस्पिटल पहुँचा सके। इसलिए कंटेनर हॉस्पिटल भी खड़ी की जाएगी। केंद्र सरकार का मकसद न केवल लोगों को सस्ती दरों पर इलाज मुहैया कराना है, बल्कि कैंसर डायबिटीज जैसी बीमारियों की जांच और इलाज लोगों के घर के पास ही उपलब्ध कराने पर भी है। एक तरफ केंद्र सरकार डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है, साथ ही गरीब परिवारों के बच्चे डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकें, इसके लिए भी सरकार लगातार कदम उठा रही है। दिल्ली में खादी डिजाइनर पुरस्कार समारोह और फैशन शो का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय खादी डिजाइनर प्रतियोगिता में देशभर से चुने गए 10 युवा फैशन डिजाइनर के परिधान को फैशन शो के दौरान प्रदर्शित किया गया। इनमें से 3 सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों को सम्मानित भी किया गया। अखिल भारतीय खादी डिजाइनर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में देशभर से करीब 400 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें सबसे बेहतर 10 डिजाइनरों को अंतिम प्रतियोगिता के लिए चुना गया। इन 10 डिजाइनरों द्वारा खादी के बनाए गए खास परिधान को एक फैशन शो के जरिए नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया। खादी को उस मुकाम से बाहर निकालकर एक उस मुकाम पर लाने की जरूरत है, जहां लोग ये जाने कि खादी ट्रेंडी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि खादी को अब ग्लोबल बनाने की जरूरत है, और ग्लोबल हमें बनाना है तो हमें खादी की डिजाइन्स को बदलना होगा, खादी के अंदर नए नए परिधानों को लाना होगा, डिजाइन इंटरवेंशन करने होंगे, और उसके साथ साथ हमारे जो यंग डिजाइनर्स हैं उनको मेनस्ट्रीम मिलाना। इन 10 डिजाइनरों में से विजेता रही स्वाति कपूर, जिन्हें पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। उप विजेता ध्रुव सिंह रहे, जिन्हें पुरस्कार में 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई। वहीं दूसरे उप विजेता के तौर पर कौशल सिंह और गौरव सिंह को 2-2 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई। इन डिजाइनरों द्वारा तैयार किए गए परिधानों को KVIC शीघ्र ही खादी के शोरूम में उपलब्ध कराएगा, जहां ये आम लोगों के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध होंगे। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। भारतीय रेल ने आगामी त्योहारों को देखते हुए सुगम यात्रा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। रेलवे ने इस वर्ष दुर्गा पूजा से छठ पूजा के बीच 110 विशेष रेलगाड़ियों के 668 फेरे चलाए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए सामान्य रेलगाड़ियों में डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जामतारा जिले के गरीबों को बड़ा सहारा मिला है। कोरोना काल के विषम परिस्थितियों में योजना का लाभ पाकर गरीब परिवार के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। हाँ, मोदी द्वारा जो चावल दे है हमने बहुत सुविधा है, फ्री चार दे रहा है, उससे हम लोग को बहुत राहत मिल रहा है। मेरा नाम मिसिर मुर्मू है और कुटा ग्राम के वार्ड प्रतिनिधि है। मैं जन वितरण प्रणाली दुकानदार से वितरण कराने के लिए आए हुए हैं। सब लोग कहते हैं हम लोग को फ्री मिलता है। मोदी जी ने हम लोग को बहुत सुविधा दिया है, पैसे हैं, गरीब लोग को बहुत सुविधा होता है। मैं रविंद्र हेमराम कुर्ता पंचायत के पूर्व मुखिया हूं, और मैं आया हूं यहां जन वितरण प्रणाली दुकानदार मुकुंदराज पंडित के पास, और यहां रखते हैं मोदी जी का जो अनाज जो मिलता है सभी लाभों को भली भांति से इन लोग वितरण करते हैं। ये
प्रधानमंत्री मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना है। हम मुकुंद मुरारी पंडित कुर्ता पंचायत के जनवितरण दुकानदार हैं। हमारा उद्देश्य है लाखों लोगों को ससमय अनाज का। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं महान क्रांतिकारी ब्रह्म बांधव उपाध्याय और जतेंद्र नाथ दास के योगदान के बारे में। अक्टूबर महान स्वाधीनता सेनानी क्रांतिकारी और पत्रकार ब्रह्म बांधव उपाध्याय की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 11 फरवरी 1861 को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के खानान गांव में हुआ था। जब वे हाई स्कूल में थे तो वे राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वो स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। कोलकाता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में स्वामी विवेकानंद उनके सहपाठी थे। ब्रह्म बांधव युद्ध कला सीखने और अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए ग्वालियर राज की सेना में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने दो बार कोशिश भी की लेकिन महाराजा की नीतियों के कारण हताश होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। वे पहले से ही ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे। अपने बहुत से समकालीन लोगों की तरह ब्रह्म बांधव भी राष्ट्रीय गौरव की स्थापना के साथ आध्यात्मिक शांति भी चाहते थे। वे 1888 में ब्रह्म मिशनरी के रूप में सिंध गए। उनकी जीवनी में लेखक जूलियस लिपना ने लिखा है कि ब्रह्म बांधव ने नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी पहचान 19वीं सदी की पहली छमाई में उभरने लगी। ब्रह्म बांधव रविन्द्रनाथ टैगोर और विवेकानंद के मित्र थे। लिपनर के अनुसार विवेकानंद ने क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित की, ब्रह्म बांधव ने इस ज्वाला को और तेज किया, उसकी रक्षा की और बलिदान दिया। ब्रह्म बांधव ने बंगाली अखबार संध्या का संपादन किया और अंतिम सांस तक इसके संपादक रहे। उन्होंने संध्या और बंगला साप्ताहिक युगांतर के माध्यम से स्वराज और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और यूरोपीय सांस्कृतिक आधिपत्य के खिलाफ सोफिया में अंग्रेजी भाषा में भी लेख लिखे। 10 सितंबर 1907 को ब्रह्म बांधव को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। ब्रह्म बांधव ने अदालत में अपने बचाव से मना कर दिया। इसके बाद 23 सितंबर 1907 को बैरिस्टर चितरंजन दास के माध्यम से अदालत में उनका बयान जमा कराया गया। बयान में ब्रह्म बांधव ने कहा कि वे संध्या के प्रकाशन, प्रबंधन और संचालन की सभी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। ब्रह्म बांधव ने ये भी कहा कि 13 अगस्त 1907 को अखबार में प्रकाशित लेख उन्होंने ही लिखे थे। उन्हीं में से कुछ लेखों को उत्तेजक मानते हुए ब्रह्म बांधव के खिलाफ मुकदमे का आधार बनाया गया था। ब्रह्म बांधव ने मुकदमे की कार्यवाही में शामिल होने से मना कर दिया था। दरअसल उन्हें विश्वास था कि स्वराज के ईश्वर नियुक्त मिशन का हिस्सा बनने के कारण उन्हें किसी भी तरह से लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सुनवाई के दौरान ब्रह्म बांधव के पेट में दर्द हुआ और उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उनकी सर्जरी की गई लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ और 27 अक्टूबर 1907 को उनका निधन हो गया। महज 46 वर्ष के जीवन में ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में सच्चे मन से भाग लिया। 27 अक्टूबर क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की जयंती भी है। उनका जन्म कोलकाता में 27 अक्टूबर 1904 में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही वे 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। लाहौर षड्यंत्र केस के संबंध में 14 जून 1929 को उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या का आरोप था। राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के धर्म योद्धा के रूप में जतिन ने कैदियों के साथ अंग्रेजों के बुरे बर्ताव के विरोध में लाहौर सेंट्रल जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। होनहार बीरवान के गोद चीखने पात कहावत हम सभी ने पढ़ा और सुना है, लेकिन इसे चरितार्थ कर रहे हैं 9 साल के रिधान गुरुंग। छोटी सी उम्र में रिधान 5 विदेशी भाषाओं के लहजा यानी एक्सेंट भलीभांति बोलते और समझते हैं। रांची के डोरंडा में रहने वाले रिधान गुरुंग
फिलहाल तीसरी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। सिलेबस की पढ़ाई के साथ प्रधान ने ब्रिटिश, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन समेत 5 देशों के लहजे पर अच्छी पकड़ बना ली है। रिधान जब विदेशी लहजे में बात करने लगते हैं तो सुनने वाले चकित हो जाते हैं। Australian accent is also the Aussie accent, because if you do any type of Australian accent in your mind, and if you do any type of Australian accent, Australia is also the kind of city and America, but if you do any Australian accent in your mind, it's also like the RP and the Cockney accent. But बेहद ही चौंकाने वाली बात ये है कि इन सभी विदेशी लहजे को सीखने के लिए वृद्धान ने कभी कोई अलग से क्लास या फिर ट्यूशन नहीं की है। विभिन्न टीवी चैनलों और यूट्यूब वीडियो को देखकर वृद्धान ने ये विद्या सीखी है। The first time I got the experience from my TV, and in the TV I watch any types of TV series or cartoons or animes, then I got so much enjoyed from there. रिधान अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। रिधान की नानी माया देवी बताती हैं कि महज 3 साल की उम्र से ही रिधान का झुकाव देशी भाषाओं की ओर दिखने लगा था। चंचल वृद्धि का था और पढ़ने लिखने में ही छोटे ही से एकदम मैंने कुछ भी बताए ना ये बहुत जल्दी उसको सीख जाए। ऐसे करते करते इसको 2-3 साल और कभी भी पढ़ने में इसको कोई भी चीज पढ़ने देते हैं ना तो वो अपने पढ़ लेता था। रिधान गुरुंग ने अभी से ही जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है। रिधान की चाहत है कि वह बड़ा होकर एक शिक्षक बने और दूसरे बच्चों के लिए मार्गदर्शक बने। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD News Jharkhand। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। देश ने कोविड टीकाकरण के अभियान के अंतर्गत हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 3 करोड़ के पार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया झारखंड समेत सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री मंसूरे ने कहा सभी विभागों में जल्द बड़े पैमाने पर होगी नियुक्तियां। इस माह के अंत तक नियुक्ति नियमावली बनाने का निर्देश। और राजधानी रांची को मिली वेजिटेबल मार्केट और पार्क की सौगात। मुख्यमंत्री मंसूरे ने किया जनता को समर्पित। वहाँ का जिंदगी देखी कितना टफ है, क्या है सारा चीज में एनालाइज ही चल रहा था कि आखिर मैंने क्या किया है, क्या करना है, कैसे वापस करूँ। 2 महीने के बाद वापस आई, फिर मैंने और हाथ पैर मारना शुरू किया। किसी भी तरह से मुझे वापस आना था। रात को जब सोती थी आँख बंद करती थी, रोती थी और ये सोचती थी कि अगर मुझे एक बार मौका मिलेगा तो ऐसे दौड़ूंगी, ऐसे तीर चलाऊंगी, ऐसे फिजिकल फिटनेस करूंगी।